हुआ चैनल। मेरे को ध्यान में आ रहा है बार बार कि आप लोग बहुत मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लास्ट टाइम मैंने बैंगन का भरता बनाया था तो आप लोग चाह रहे थे कि मैं डिटेल्ड बताऊं, तो क्योंकि आज घर में बनाना भी वही है तो मैंने कहा आज इसका व्लॉग ही बना देती हूँ। चलो यहाँ से आप लोगों के लिए ये भी सही, तो आम जा रहे हैं बैंगन का भरता बनाने, तो आप तैयार हो बैंगन के भरते की रेसिपी देखने के लिए? तैयार हो? तैयार हो ना, आ जाओ। और मेरे दोस्तों हम किचन में आ जाते हैं। इतने आलस में जो किचन में आया वो बनाएगा क्या? इतने में ही बहुत कुछ कर दूंगी मैं। बैंगन को भूजने रख दो गैस पे, थोड़ा सा ऑयल लगा के, ताकि ये इस पे आराम से पक जाए, तो जैसे ही पकेगा वो इजीली इसको टर्न भी करते जाओ साथ साथ। मेरे जैसा आदमी तो जला ही दे इसे। ऐसे थोड़ी से थोड़ी पकड़ में आएगा बैंगन, तो मेरे को थोड़ा डर लगता है ना। हाँ भूज गया ना। और ये चाहिए हमें अदरक, ये चाहिए थोड़ा सा कोथमीर। अच्छा लोग बहुत पूछते हैं कोथमीर क्या होता है। कोथमीर मुंबईया भाषा में कोथमीर बोलते हैं। अच्छा धनिया, ये रहा कोथमीर, दो बड़े प्याज, दो टमाटर और एक दो तीन चार हरी मिर्ची और कुछ भी नहीं डालेंगे हम इसमें, बिकॉज वी लाइक इट सरसों का तेल, तो हम डालेंगे इसमें सस्ता सुंदर टिकाऊ सरसों का तेल। आपकी मर्जी है, आप इसको ऑलिव ऑयल में पकाओ, देसी घी में पकाओ, जिसमें पकाना आपकी मर्जी। वी लाइक इट वेरी यूपी स्टाइल वाला, है ना? तो फिर हम काट लेते हैं। अच्छा एक कोशिश करना कि आप ना इसको छोटा छोटा नहीं काटो, छोटा छोटा मत काटना, लंबा लंबा काटना, लंबा लंबा चूर। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ एक ठेला डाल देते हैं, तुम ठेले में ना पर्दे के पीछे छुपी रहना, ठीक है? और फटाफट टमाटर काट के, और सबसे हम लोग पहले प्याज को चढ़ा देते हैं भूनने के लिए। भूनने के लिए अच्छी कढ़ाई का इस्तेमाल करें, भाई आ गई अच्छी कढ़ाई। तो जी हम डाल देते हैं पहले, सबसे पहले सरसों का तेल। इसमें ना आप लोग थोड़ा सा चीरा मार लेना, ये ऐसे ना चीरा मार लेना इसमें से। अरे ये हट गई, ठीक है। अरे 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 अरे, अरे। और हम डाल देंगे इसको सरसों के तेल में। और सबसे पहले मिर्ची डाल दी। मेरा दिल था, मैं चाहती थी कुछ और भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं डाली। आई एम अपसेट विद यू। ये डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, चल अंदर। अब डाल देंगे इसमें दोस्तों हम प्याज। ये लो चला गया प्याज, देखो देखो प्याज मेरा, देखो कैसा लग रहा है प्याज। अरे बहुत छिटे आ रहे हैं, वो तो आएंगे ना। ओ शिट, आ लगा दिया तुम्हें। हाँ पहले भी दूर रहेगा प्याज, खोले नहीं मैंने। तो जब तक प्याज हो रहे हैं तब तक हम लोग कर लेंगे इसमें हम थोड़ा अदरक काट के, मतलब डाल देंगे। कहाँ है? अरे कट क्यों नहीं रहा? ऐसे लंबा लंबा अच्छा अच्छा काटना था, लेकिन ये टेढ़ा मेरा निकला तो अच्छा नहीं कटा है। आप अच्छा काट लेना। कट कट, और लगे हाथ हम इसमें अदरक भी डाल देंगे। गया अदरक। अब जब तक ये हो रहा है दोस्तों हम काट लेंगे फटाफट। क्या करेंगे? लंबा लंबा चून। कहाँ से सीख के मुंह पे चढ़ गया? चूल का मतलब पता है तुम्हें? चूल मतलब चूल है ना, तेरे को बहुत तो चूल है। चूल मतलब बाल। अच्छा ओ अच्छा, बंगाली में बालों को चूल कहते हैं। प्याज थोड़ा सा अच्छा लाल कर लो, बहुत ज्यादा भी मत करना, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा लाल कर लेना। माय गॉड लुक एट हिम, पसीना में भी इसका रंग बहुत अच्छा निकल के आ रहा है अभी। अभी तो आएगा जब डलेंगे सब मसाले। ओहो नीचे गिर गया, इतना अच्छा लाल हो रहा है हमारा प्याज। इतना अच्छा तो पुलिस भी लाल नहीं करती। दोस्तों हमारे प्याज ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें ये बाकी का टमाटर। अब आ जाता है इसमें मेन काम, नमक स्वादानुसार, मिर्ची स्वादानुसार, धनिया स्वादानुसार। आपका स्वाद कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा इतना सा, मतलब एक बोलने के लिए हल्दी तो बोल ही देती ना, डालने की जरूरत थी। अब इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, मतलब सब्जी को। मेरे पसीने देखो बेबी। थोड़ा सा डालने के भुना हुआ जीरा, घर पे भुना हुआ है, उसका पाउडर बनाया हुआ है। ये लो गया अंदर, ये आपको कलर भी देगा और जो पता नहीं क्या देगा। तो ये जी हमारा छिला तैयार बैंगन, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से जिसके ये है ना ये पूंछ ये निकाल देंगे। बेबी ये पूंछ मुझे बहुत पसंद है, डाल दूंगी ना उसमें। पागल हो क्या बेबी? मैं खाता हूँ। नहीं प्लीज, सच सच बोल रहा हूँ, मम्मी डालती थी उसमें। नो 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 नो, बेबी मैं खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज डालना। मैं वही कहूँ की इतने सालों से बैंगन के भरते में डंठल क्यों नहीं आ रहा है? शिट सीरियसली यू वांटेड? हाँ ये गया जी बैंगन अंदर।
अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मसाला बेसिकली ना बैंगनों में मिक्स होना चाहिए, ये जो हिलता है इसे मिक्स नहीं होगा। अगर आप इससे हिलाओगे, देखो इससे हिलाओगे तो कैसे मिक्स होगा, नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना है, मेरा फेवरेट तरीका जो कि है ये, बिलौना लेना और इसको भूज देना, इसको पीस देना बिलौने से। मुझे लगता है लोग झूठ बोलते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत पसंद है और बनाओ, मुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं। बेबी अगर मजाक बन रहा होता तो इतने सारे लोग खुद बना बना के तुम्हें भेजते क्या? अगर खुद बना बना के भी तुम्हें भेज रहे हैं मतलब तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक बन रहा है। कि मजा वैसा ये ले, ये बनाया था तूने, ये ले, ये देखो इसको ना धीरे धीरे पीसते रहना, इट विल टेस्ट गुड। एक मिनट और मैं इसको बंद कर दूंगी, लेकिन अविनाश को इसमें ना थोड़ा सा ऊपर से सरसों का तेल डाल के अच्छा लगता है। बेबी डंठल तो डाल दो। आर यू श्योर बेबी? यस बेबी। ये कलर आना चाहिए, पीला पीला अगर बन रहा है ना बैंगन का भरता तो ठीक नहीं बन रहा, इसलिए कह रही हूँ ना हल्दी आप लोग मत डालना, लाइक एक पिंच के लिए ना मैंने जिसकी डाली उतना करना ताकि हल्दी का रंग नहीं आना चाहिए। हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। इसके साथ क्या मिलेगी? रोटी। चल कोथमीर ये डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर और सरसों का तेल अभी डालूंगी ना। अच्छा आप लोग बहुत हैरान मत होना कि अरे सरसों का तेल कौन डालता है, यूपी बिहार में बहुत डालते हैं। बताओ बेबी, यूपी बिहार में सरसों के तेल के बिना खाना ही नहीं बन सकता। सरसों के तेल के बिना खाना नहीं बनता, तो आप थोड़ा सा लो सरसों का तेल हल्का सा और इसमें हल्का सा ऐसे डाल लो। बस कैसा लग रहा है बेबी मेरे बैंगन का? यार बहुत ही अच्छा लग रहा है बेबी, कलर देखो ना तुम यार। और दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ, ये सिर्फ 10 मिनट में बना है बैंगन का भरता। मेरी आंखों में आंसू है। थोड़ी दाल भी उबली हुई है मेरे पास, ये देखो उबली हुई दाल है। इसको मैं कैसे तड़का लगाती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। सिंपल, मैं कुछ वो प्याज व्याज नहीं डालती हूँ, अरहर की दाल में ना ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, तेल मेरी कटोरी, सबसे पहले आप डाल लो इसमें थोड़ा सा हींग, ये क्या जी हींग, कड़ी पत्ता। और ये जो कड़ी पत्ता है ना दोस्तों ये धुला हुआ है, ठीक है, बोलना मत धोया धोया नहीं, अनसब्सक्राइब। ये लो ये रहा कड़ी पत्ता, ठीक है, जीरा, ठीक है, राई, सूखी लाल मिर्च, ये भी धुली हुई है हरी मिर्च, तो आप इसके ये निकाल दो, ठीक है, और इसको ना एक के दो हिस्से कर दो, ये लो। एंड डू यू नो हमारा दाल का तड़का तैयार हो गया। अब इसको आप डाल दोगे इसके अंदर। ओ, ये तो बताया करो ना बेबी कि ये उछलेगा और ये नहीं उछलेगा। अरे मुझे क्या पता भाई, उछलेगा ही ना, तड़का है तो। ये देखो अभी हो गया हमारा तड़का, ये लाल मिर्च हमने डाली और हमने डाल देना है इमीडिएटली उस पे इतनी दाल गिर गई बेबी। हाँ उछला ना, कैसी लग रही बेबी दाल? बहुत अच्छा कलर आया यार, बस इसको थोड़ा सा और ओवर। हमारा खाना लग चुका है टेबल पे, गरम गरम दाल, ये डलेगा बैंगन का भरता। मेरे को वो दे देना इसकी डंडी, डंडी चाहिए ना तुम्हें, खिलाओ। आज मेरा बेबी बताएगा कि कैसा दाल नहीं लगाओगी इसमें? दाल बाद में लगाऊंगी। इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है पराठे के साथ, तो और भी आउटस्टैंडिंग है। मेरे को संभावना के साथ किचन में रह रहे के ये तो चीज समझ में आ गई, हालांकि मैं जीरो नंबर कुक हूँ फिर भी, कि भैया आप जितना सिंपल रखोगे अपना खाना हाँ उतना टेस्टी बनेगा, इतनी बात तो मैं भी सीख गया। ये लो आप दाल और आई एम श्योर बैंगन तो अच्छा ही बना होगा, तुम्हें तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है ना। ये क्या करते हो उसको? इसकी डंडी चबाता हूँ ना बाद में मैं। बाद में चबाओगे? बाद में चबाऊंगा भाई, पराठे के साथ तो यार स्वर्ग लग रहा है, स्वर्ग। I love बैंगन का भरता, पराठे के साथ गरम गरम बैंगन का भरता। और आप कलर देख लो ना जरा बैंगन के भरते का, आपको टेस्ट समझ में आ जाएगा। प्लीज मेक दिस बैंगन का भरता बिकॉज, और कोशिश करो अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हो तो सरसों के तेल में बनाओ, बेस्ट होता है। तो दोस्तों ये था मेरी बेबी का मस्त 10 मिनट में बैंगन का भरता, 10 मिनट में दाल का तड़का का ब्लॉग। आप लोग जरूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और ये बैंगन का भरता घर पे जरूर बनाइएगा। एंड प्लीज डू राइट कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल। अरे आती रहोगी, सॉरी मैंने अपने लिए बनवाया था ना, बेबी दो ही बनवाया था उसमें तुम आधा खा गई। सॉरी सॉरी सॉरी, तो चावल खाने वाली हूँ। रख दो वापस, रख दो मेरा पराठा वापस रखो। आई लव दिस भरता भाई, है ना।